अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज अरसलान सिद्दीकी, परमानेंट फैकल्टी फॉर क्यूएम एट एआरटीटी बिजनेस स्कूल। दोस्तों, हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर डिस्काउंटिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। आज मैं डिस्काउंटिंग जो है वो डिस्कस करूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सर, सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादातर एक जो कन्फ्यूजन वाली बात आती है बच्चों को, वो बॉन्ड्स में या नोट्स में आ रही होती है। तो आज हम जो है वो एक बॉन्ड्स का मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और आगे जो है वो सवाल सॉल्व करते हैं। सर, आप प्रॉमिसरी नोट्स ऑफ रुपीज 200,000, ठीक है सर, प्रॉमिसरी नोट्स की जो फेस वैल्यू है, वो सर कितनी है एयर जीरो के ऊपर 200,000 रुपीज, ठीक है, कैरीज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है एट 8% पर एनम। इसका मतलब जो 8% मुझे रेट गिवन है वो सिंपल इंटरेस्ट का रेट गिवन है, ठीक है। द नोट इज पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर, सर 2 साल के बाद ये नोट जो है वो पेबल है, ठीक है। द होल्डर ऑफ द नोट गॉट इट डिस्काउंटेड 6 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट, सर वो 6 महीने पहले उसने इसको क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले, एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ दिस, और सर इतना अमाउंट उसको रिसीव हो गया। कंप्यूट द डिस्काउंटेड रेट, सर डिस्काउंटेड रेट कंप्यूट करने का मतलब क्या है कि कंपाउंडेड रेट गिवन है, डिस्काउंटेड रेट कंप्यूट करने का मतलब क्या है कि कंपाउंडेड रेट और डिस्काउंटेड रेट दोनों डिफरेंट है, अगर सेम होते तो कभी भी कंप्यूट करने का मुझे नहीं बोलता। अच्छा दोस्तों, तो सर अब इस केस के अंदर अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूं आपके पास, ईयर 1 सेमी 1 माय 2 दैट इज ईयर 1, ठीक है, 3 एंड माय 4 दैट इज ईयर 2। जी दोस्तों, तो यहां पर जो उसने सिंपल इंटरेस्ट का जो बॉन्ड सबमिट कर परचेज किया है या सबमिट करवाया है सर, वो कितना है 2 लाख रुपए का। अब सर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो ये जाएगा मेच्योरिटी के ऊपर, तो मेच्योरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ इसको एक एक्स अमाउंट यहां से रिसीव होगा। सर ये एक्स अमाउंट किस परसेंटेज से मिलेगा, सर इसको 8% पे मिलेगा, लेकिन इसने जो बॉन्ड डिस्काउंट कराया है वो यहां कराया है 6 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट, और उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 221797 रिसीव हुआ है। तो दोस्तों, जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन करवाता तो बच्चे कह रहे थे कि सर इसको 2 लाख रुपए को डायरेक्ट आप यहां पर ले आए, 1.5 साल आगे लेके आ जाइए, कंपाउंडिंग कर ले इसकी 1.5 साल की। तो बेटा अगर मैं कंपाउंडिंग कर लूं 1.5 साल की तो मुझे बताओ, तो फिर इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट तो सेम हो गया ना फिर तो, क्योंकि जो वैल्यू यहां से कंपाउंड करने के बाद आ रही है वही वैल्यू यहां से डिस्काउंट करने के बाद भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या सर, फिर वो तो इंटरेस्ट रेट सेम हो गया हमारा, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, 2 लाख रुपए की कंपाउंडिंग करूंगा फॉर 2 ईयर्स की, ताकि मुझे एक अमाउंट पता चल जाए, मेच्योरिटी का अमाउंट पता चल जाए। फिर सर मैं उस मेच्योरिटी के अमाउंट की क्या करूंगा, 6 मंथ्स की डिस्काउंटिंग कर दूंगा। आई होप आप सबको मेरी बात क्लियर है। तो सर पहले हम एक काम करते हैं कि पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू पी इन टू 1 + RT। सर प्रिंसिपल का अमाउंट सर कितना है, फेस वैल्यू सर 2 लाख रुपए, 1 + सर इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है सर, 8% है, और सर कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो कंपाउंडिंग जो है वो पर एनम की हो रही है। सर कितने साल के लिए डिपॉजिट कराया, 2 साल के लिए, तो सर यहां से जो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू आएगी, जो यहां से इसकी मेच्योरिटी वैल्यू आएगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू जो बॉन्ड्स की आएगी, वो कितनी आएगी, 2323। जी दोस्तों, तो ये मेच्योरिटी वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 2 सर ये मेच्योरिटी वैल्यू यहां की वैल्यू आई है मेरे पास। अब सर क्या करूंगा, इसकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा, कितने मंथ्स की सर, 6 मंथ्स की। अगर डिस्काउंटिंग में ये वैल्यू मेरे पास आती तो बीच में इसका मुझे डिस्काउंटेड रेट मुझे पता चल जाएगा, लेकिन सर डिस्काउंटिंग ऐसे नहीं करूंगा, डिस्काउंटिंग के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, प्रोसीड्स इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू 1 - RT। सर ये फॉर्मूला अब तक नहीं यूज किया हम लोगों ने, सर क्यों यूज नहीं किया, सर ये बॉन्ड्स के या नोट्स के केस में यूज होता है। सर प्रोसीड्स का मतलब प्रोसीड्स बोलो या डिस्काउंटेड वैल्यू बोलो, प्रोसीड्स बोलो या डिस्काउंटेड वैल्यू बोलो, बात एक ही है। तो सर डिस्काउंटेड वैल्यू उसको कितनी रिसीव हुई है, सर इतनी रिसीव हुई है 6 महीने पहले, तो सर कितनी थी वो, 221797 इक्वल्स टू सर मेच्योरिटी वैल्यू कितनी थी, अभी हमने ऊपर कंप्यूट करी, ये रही 2321 - सर डिस्काउंटेड रेट की परसेंटेज मुझे नहीं पता तो मैं x% पुट करूंगा,
इनटू, अब सर क्या करूं, सर टाइम कौन सा टाइम है, सर ये टाइम वो टाइम है जो अनएक्सपायर्ड है। कितना टाइम अनएक्सपायर्ड था सर, 6 मंथ्स का टाइम अनएक्सपायर्ड था, उसने 6 मंथ्स बिफोर मेच्योरिटी डेट जो है वो डिस्काउंट कराया था, तो सर 6 मंथ्स ओवर 12। तो दोस्तों जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो सर x की परसेंटेज आती है कुछ 8.79%। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से नोट्स के केस में या बॉन्ड्स के केस में हम पहले मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जो प्रोसीड्स या डिस्काउंटेड वैल्यू हमें रिसीव होगी उसमें उसको फॉर्म हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाकर हम अपना डिस्काउंटेड वहां से कंप्यूट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों किया कि पहले आगे गए फिर पीछे आए 6 महीने, क्योंकि बेटा देखो कंपाउंडेड रेट क्या था 8% का था और डिस्काउंटेड रेट क्या है 8.79% का है। अगर सेम होता तो फिर मैं डायरेक्टली 1.5 साल आगे चला जाता, लेकिन इस केस के अंदर हमें डिस्काउंटेड रेट जो है वो फाइंड आउट करना था, दैट मीन्स के डिस्काउंट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है कुछ एक नया प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ बॉन्ड्स पर ही या नोट्स पर ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।